एक्चुअली अचानक मुझे कई फ़ोन्स आ रहे थे और कई मैसेजेस आ रहे थे और अलग अलग नंबरों से आ रहे थे, और कभी कभी नॉर्मल मैसेजेस आते थे और सडनली जिसके मैसेजेस नॉर्मल आ रहे हैं सडनली एक बार उन्होंने कुछ अश्लील मैसेजेस भेजने शुरू किए, तो मैंने तुरंत वहीं पर कहा कि आप बंद कर दीजिए। मैंने सोचा ये फ़ैन है कोई जो बार बार यू नो कॉन्टैक्ट कर रहा है मुझे, तो मैंने वहीं पर उसको डांट दिया और कहा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, डोंट कॉल अप अगेन, डोंट सेंड मैनी मैसेजेस। लेकिन फिर एक 15-20 दिन कुछ मतलब कंप्लीट शांति थी, उसके बाद फिर सडनली मैसेजेस। और धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे लिमिट तब हो गई, अब गंदे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन कर रहा है। तो जब लिमिट तब आई जब उसने मुझे अश्लील वीडियो भेज दिया, उस समय आई वॉज स्टंड, क्योंकि मेरे साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है और ना मैं कभी सोच सकती थी कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा, कि किसी की इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो इस तरीके का वीडियो मुझे भेजे। हालांकि आई थिंक आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, आई एम जस्ट अ नॉर्मल लेडी, बट जितनी लड़कियाँ जितनी और औरतें हैं और जो घरों में चुप रहती हैं उनके बारे में मैं सोचती हूँ कि होता क्या है कि आप बोलते नहीं हो शर्म के मारे में, आपको लगता है कि आप बोलेंगे तो आपके ऊपर भी एक मतलब बेसिकली एक अपनी एक लज्जा एक शर्म होती है हर लेडी में, एंड यू डोंट फील कम्फर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, और जब आप बोलते हैं तो आपको वो भी एक यू डाई 1000 deaths जब आप बोलते हो ये इस बात को, अंदर ही अंदर आप थोड़ा सा मरते हो। और इस स्थिति में अगर ना बोलो तो वो ज़्यादा संगीन जुर्म है, क्योंकि अगर आप नहीं बोल रहे हो आप सामने वाले को प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो और भी करता जाए, उसकी शय बढ़ती है, वो और भी भेजता रहेगा और आपको टॉर्चर करता रहेगा। सो मैं समझती हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको बोलना चाहिए ताकि कम से कम आपको फैमिली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, पुलिस आपकी मदद करेगी। पुलिस में इतनी धाराएं हैं जो इतनी सख्त हैं, आज की डेट में हम औरतें जानती नहीं हैं इनके बारे में, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने कंप्लेन की तब मुझे समझ में आया कि यहाँ 4-5 धाराएं हैं जो इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि दे आर नॉन अवेलेबल, तो हम क्यों नहीं इनका सहारा लेते, हम क्यों डरते हैं, हम क्यों डर के क्यों जी रहे हैं। हम पुलिस ने आपकी मदद की तो मतलब क्या उन्हें अभी गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? पुलिस इंक्वायरी कर रही है इस समय, सो छानबीन चल रही है, एंड आई एम श्योर कि वो बहुत जल्द दे विल बी एबल टू लोकेट दिस पर्सन, एंड आई एम श्योर दे विल टेक एक्शन। इस तरीके के लोगों का एक्टिव होना वो वजह क्या मानते हैं या क्या करना चाहिए कैसे लोग डीएक्टिव हो जाए? सबसे मेन रीज़न है कि हम चुप रहते हैं, सबसे मेन रीज़न ये है कि हम चुप रहकर सहते हैं, हम बोलते नहीं हैं। दूसरा ये आई थिंक समाज में एक चीज़ इस चीज़ का एहसास हर माँ को होना चाहिए कि जब उसके घर में बेटा पैदा होता है सबसे पहले वो अपनी माँ की अपनी घर की जितनी भी लड़कियाँ हैं बहनें हैं उनकी रक्षा उसको करनी है, वो संस्कार उसमें शुरू से डाले। जब तक हम यंग एज पे उनको समझाएंगे नहीं इस बात को, सिखाएंगे नहीं इस बात को, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी टुडेज़ मॉडर्न सोसाइटी वुमेन आर आल्सो वर्किंग, वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं पे एक्सपोजर इतना है मीडिया में, आप नेट ऑन कीजिए, आप टीवी देखिए, आपको जो देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो हमें यू हैव टू कैच देम यंग एट अ वेरी यंग एज, यू हैव टू कैच देम यंग एट अ वेरी यंग एज, सो दैट बड़े होते 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 उन्हें ये पास ये चीज़ उनमें बैठी हो कि जो मेरे घर की औरत है मुझे उसकी रक्षा करनी है। जब आपके अंदर ये भावना शुरू से होगी तो फिर आप किसी और की बेटी या बहन को भी सही निगाह से देखेंगे। तो थोड़ा सा ये हमारी तरफ से प्रयास होना ज़रूरी है और थोड़ा सा औरतों को बोल्ड होना ज़रूरी है और अपनी शर्म लिहाज छोड़ के डर को छोड़ के ये जानना ज़रूरी है कि आज हम अगर बोलेंगे तो हमारे लिए पूरा समाज खड़ा होगा,
नहीं तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे और घुट घुट के हम अपने आप को हम बीमारियों का एक बन जाएंगे और किसी को समझ में नहीं आएगा कि हम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, हम क्यों डरे हुए हैं, हम क्यों ऐसे नोबडी विल अंडरस्टैंड जब तक आप बोले नहीं. आई थिंक हर हर मुसीबत का एक ही इलाज है और वो है कि हम उसके बारे में बोलें.